वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वेलोसिटी का मालूम करना सीखा था कि अगर हमें किसी भी बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी का पता हो कि हमने आया कि किसी बॉडी को किस वेलोसिटी के साथ हिट किया है, तो हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिसके साथ हमारी बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रैवल करते करते ज़मीन के साथ दोबारा आकर हिट करती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली इस तरह आज की वीडियो में हम लोग ये मालूम करना सीखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वो मैक्सिमम हाइट जो कोई भी बॉडी अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अटेन करता है, उस मैक्सिमम हाइट को हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी प्लेग्राउंड में कोई भी जो प्लेयर है वो फुटबॉल को किक करे, तो जो फुटबॉल है वो इस तरह से करता है कि वो उसको जब किक किया जाता है तो वो इस तरह से हाइट अटेन करता हुआ वापस ज़मीन पे आकर हिट करता है। तो जब वो मैक्सिमम इस पॉइंट पर आता है कि जिसके बाद वो अपनी मोशन दोबारा ज़मीन की तरफ कर ले, तो ये वाली जो हाइट होती है, ये वर्टिकल जो डिस्टेंस आता है हमारे पास, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास हाइट कहलाती है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वाई, ये हमारी हाइट के इक्वल होता है। इसे हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, यानी कि सिंपल आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किसी भी बॉडी का जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे आप उस बॉडी के लिए, उस बॉडी की प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए उसकी मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं। अब इस मैक्सिमम हाइट को हम किस तरह से निकाल सकते हैं? इस मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए हम लोगों को जो है थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें आपको मालूम है कि थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन ये है कि यहाँ पर 2AF इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर इस रिलेशनशिप पे, इस इक्वेशन पे गौर किया जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि देखें, अब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है और कोई भी बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर कर रही है, यानी यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करती है और वापस ज़मीन पर आकर हिट करती है। तो जैसा हमने कल की वीडियो में बात की थी कि इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे वेलोसिटी आगे बढ़ती चली जाती है, जैसे कि ये वेलोसिटी है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट चूँकि डाउनवर्ड आ जाता है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू ग्रेविटी वो माइनस जी हो जाता है, यानी मैं कह सकती हूँ कि जो ए है वो माइनस टाइम जी हो जाता है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोई जिस्म ज़मीन पर आकर हिट करता है तो उसके, अब ये इसने ज़मीन पर आकर हिट किया तो यहाँ पर आके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कोई ना कोई जो भी वेलोसिटी थी, जैसे कि अगर आप ऐसा करें कि आपने किसी बॉल को बुलंदी से नीचे की तरफ फेंका है तो आपका वो बॉल यहाँ आकर रुक जाता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आप कोई ना कोई देते हैं और फाइनल आकर ज़ीरो हो जाती है। सिमिलरली इस केस में भी इसी तरह होगा। अगर आप मैक्सिमम हाइट मालूम करना चाहें तो आपने इनिशियल वेलोसिटी तो दी है लेकिन एक पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ कवर हुआ है ना, हम आगे की बात नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है वो बॉडी रुकेगी नहीं, वो अपनी इनर्शिया की वजह से आगे ट्रेवल करेगी हिट करने के बाद जो है ज़मीन को, लेकिन हम सिर्फ उस पॉइंट तक बात करें जब वो ज़मीन से हिट करे। जब फुटबॉल ज़मीन से हिट करता है तो वो थोड़े से इंटरवल के लिए, थोड़े से टाइम के लिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है उस पॉइंट पर वो ज़ीरो हो जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पर एक और बात को क्लियर कर लीजिए कि जब फुटबॉल आकर ज़मीन से हिट करेगा तो फौरन ही रुकता नहीं बल्कि आगे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देता है, और आगे की तरफ मूवमेंट आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट में होती, यानी कि मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस की कुव्वत होती है, यानी कि वो अपने अंदर जो चेंज है उसको रेजिस्ट करता है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो जो फुटबॉल है वो इनर्शिया की वजह से आगे मूव करेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें बस ये पॉइंट चाहिए जब फुटबॉल ने यहाँ से आकर यहाँ पर हिट किया तो थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए, थोड़े से सेकंड के लिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी VF वो ज़ीरो होगी। आगे वाले प्रोसीजर को हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस पॉइंट B की बात कर रहे हैं जो A से स्टार्ट होकर B तक पहुँचता है, सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट तक जो VF है उसे हमने लेट कर लिया कि VF जो है वो ज़ीरो है,
और आपको मालूम है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी वी आई एक्स वो सेम रहता है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये वी आई कोस थीटा है, और जो इसका वी आई का जो है यहाँ मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था कि ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, और अगर मुझे वी आई का वर्टिकल कंपोनेंट बताना हो तो वो वी आई साइन थीटा है। अब आप एक बात गौर कीजिए कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट होते वक्त ही आपको बताया कि जो भी कोई बॉडी है उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस के अलोंग जो उसकी उसका डिस्टेंस होता है उसे हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस होगा उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है उसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो जब हम मालूम ही हाइट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी के लिए वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहिए और एक्सेलरेशन के लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहिए। तभी मैंने कहा यहाँ पर जो ए है वो माइनस जी है, बल्कि मुझे यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहिए था ए वाई माइनस जी के इक्वल है, क्योंकि ए एक्स तो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है जो कि जीरो है, और ए वाई हमारा माइनस जी के इक्वल है, यानी कि हमें पूरी की पूरी इक्वेशन को वाई के फॉर्म में लिखना पड़ा, क्योंकि हम लोग वाई मालूम कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं जो कि मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लूँ तो वो वी आई साइन थीटा हो जाता है। अगर मैं इसे किसी इक्वेशन ए में पुट करूं जो कि थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन है, तो यहाँ पर टू एज इट इज ए की जगह मेरे पास यहाँ माइनस वी आर रहता, और एस जिसे मैं एच के इक्वल कह सकती हूँ, यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए कि जो एस है वो एच के इक्वल है और एच जो है वो वाई के इक्वल है। तो मैं अगर एस की जगह यहाँ पर एच लिखूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वी एस के बारे में हमने कहा कि ये जीरो है तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद माइनस और वी आई, वी आई हमारे पास वी आई जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बल्कि मैं इसको ना थोड़ा सा यूज सेटिस्फाई करके आपको बताती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इस तरह से कि अब हमारे जो इक्वेशन है वो टू ए वाई कंपोनेंट, एफ की जगह यहाँ पर मैं एच लिख सकती हूँ, फिर वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट में सबको अरेंज कर लिया। अब टू एज इट इज ही ए वाई की जगह माइनस सी और एच ऐसे ही, चूंकि ये हमें मालूम करना है वी एफ हमारे पास जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा। उसके बाद माइनस देन वी आई वाई जो कि वी आई साइन थीटा है, यानी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ इस तरह से है कि माइनस टू वी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाता है। इसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ पर हमारे पास टू जी ए जाएगा और यहाँ पर वी वन वी आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एच मालूम करने के लिए वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और टू जी डिवाइड कर दिया जाए, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये हमें ये बताता है कि आप किस तरह से मैक्सिमम हाइट बता सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल फर्ज कर लीजिए कि आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दी गई है जो कि 2 मीटर पर सेकंड है, और आपको ये भी बता दिया गया है कि आपका जो साइन थीटा है, या साइन थीटा नहीं बल्कि आपको ये बता दिया गया है कि वो एंगल जिसके साथ आपका फुटबॉल या कोई भी बॉडी जो है हिट की गई है या किक की गई है जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रैवल की, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि अगर ये आपका फुटबॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो आपने उसको दी वो 2 मीटर पर सेकंड है, और जो एंगल इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया है यानी कि थीटा, उसे लेट कर लीजिए कि ये 90 है, और जी की वैल्यू के बारे में आपको मालूम है कि ये 9.8 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये सब की सब वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ और खुद से हाइट निकालना चाहूँ तो ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि वी आई की जगह अब हम 2 लगा लेंगे और 2 का स्क्वायर आ जाएगा साइन थीटा, मीन्स कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ कि साइन थीटा जो होता है
इस तरह से साइन थीटा का स्क्वायर बना लूं और डिवाइडेड बाय जो है हमारा आधे का, अगर मैं यहाँ पर 10 ही लिख लूँ जी की वैल्यू और 2 एज इट इज की, तो आपको मालूम है कि जो साइन 90 है, साइन थीटा की जगह मुझे थीटा की वैल्यू लगानी पड़ी। थीटा चूंकि 90 है तो आपको मालूम है कि जो साइन 90 होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि 1, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो -1 से +1 तक काफी है, तो साइन 90 जो है वो 1 है और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा। तो यहाँ पर 4 × 1/20, यानी कि 4/20 जो है यानी कि 0.2 मीटर आपकी जो है वो हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैक्सिमम हाइट बता सकते हैं, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन हो, आपको थीटा भी बता दिया जाए, तो आप इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए ये बता सकते हैं कि आया कि आपकी कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपकी बॉडी ने, जिसे आपने हिट किया है, इस तरह से हिट किया है कि वो प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेवल कर सके, प्रोजेक्टाइल मोशन कर सके। तो होप सो आपको काफी हद तक समझ आ चुका होगा कि हम लोग किस तरह से हाइट निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की।